हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंक सिमुलेटर की न्यू वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था ये वाला अपना स्टोर, जो कि काफ़ी बड़ा है, और मैंने इसको अंदर से बाकी का भी कंप्लीट करने का ट्राई किया। तो भाई, इसमें मेटल बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने ये इतना कंप्लीट किया है। और अपने पैसे देखो भाई, ये इतने बचे हैं सिर्फ 1200, और मैंने कुछ जो हंटिंग की थी उनको डियर्स को भी उठा के बेच दिया था, तो उसके बावजूद 1200 ही बचे, बाकी सब मेटल पे ही लग गए। तो इनमें बोर्ड लगा रखी है मैंने, तो ये मेरे बेंच बनाएंगे यहाँ पर टेबल, और ये मैं लेके आया था 2 मशीन लास्ट टाइम, और ये इधर भी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपना स्टोर रखा है दूसरे वाला, जो सोसेज जो रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। तो ये सोसेज के लिए मैंने बहुत बड़ा ही बना दिया, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बना दिया, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही मेटल लगने वाला है। अपने पास फ़िलहाल तो इतने पैसे भी नहीं है, और मैं ये वुड लेके आया था लास्ट टाइम, उसके लिए मेरे को ये अपना दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा, इधर वाला डोर ये तोड़ के मैं इसको लेके आया और यहाँ पे रखा गाड़ियों से, उसके बाद मैंने इसको अभी तक बनाया नहीं है, और लानी पड़ सकती है इसलिए। और हाँ, ये भी लास्ट टाइम बना के छोड़ दिया था, और मैंने ये अपग्रेड कर दिया इसको इतना, और इसको बनाना बाकी है, इसको फटाफट कंप्लीट कर ही देता हूँ मैं। वुड लेके आया था यहाँ पर लेकिन मैंने लगाई नहीं, तो इनको भी लगा देता हूँ मैं, और ये तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये इतना तो हो गया, फटाफट आगे वाला भी कर देते हैं। तो इधर कुछ पड़ी है, इनको भी लेके चलता हूँ मैं, और ये हो गया कंप्लीट। ये लास्ट रह गया, और इसमें कंप्लीट होगा क्या, मेरे को नहीं लग रहा, एक रह जाएगा आई थिंक। तो एक रहेगा इसमें से, एक तो रहेगा ही रहेगा। ओके, एक ही वुड बची है मेरे पास, तो इधर से उठा के लेके आता हूँ मैं एक और, उसको कंप्लीट करते हैं। और ये देखो अपनी लाइट्स जो है, इसमें को भी मेटल चाहिए भाई, मेटल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने पास अभी है नहीं। तो फिलहाल तो मैं ये फेंसेज कंप्लीट कर देता हूँ, और अपना बाना भाई मैं एक बार अंदर जाता हूँ यहाँ से। और ये देखो इसमें भी वुड लगा रखी है, इसमें भी मेटल चाहिए, तो ये अपना काउज के लिए है, यहाँ पे काउज लेके आएंगे हम। और अभी ये गेट भी बाकी है, ओके, तो इसमें मेटल लगाना बाकी है, तो आज मेटल लेके आना ही पड़ेगा, तो मेटल लेके आएंगे। और यहाँ पे ये लास्ट टाइम मैंने जो सामान लेके आया था, यहीं तो उतार के रख दिया था, फेंक ही दिया था, रख क्या दिया था मैंने, तो इसको भी अंदर रखेंगे तोड़ के, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो वुड है ये यहाँ पे लगाऊँ क्या पहले मैं, ओके यहीं पे लगा देता हूँ पहले, ये वॉल कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद इसको अंदर लगाना है। तो भाई 16 वुड लगती है एक में, जो कि बहुत ज़्यादा वुड लगने वाली है अभी। तो 2 कंप्लीट हो गया है, अभी तीसरा भी कर देते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे वुड काटने में, बहुत टाइम लग गया वुड काटने में, ही टाइम ज़्यादा लग जाता है, लाने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो ये पीछे रह गया एक, इसमें भी लगा देता हूँ मैं, तो ये एक का लफड़ा हार पर रहेगा, एक को मैं नीचे फेंक देता हूँ यहीं पे। ओके, फिलहाल ये भी हो गया, एक और लगेगी, और एक साइड वाला ये हाफ कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी लास्ट टाइम मैंने एक ब्लिट की थी, 2 और भी कर दी, तो 3 हो गई। लेकिन भाई सीरियसली वुड बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने 8 कर दिए वुड, वरना तो भाई हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे लगाने में, तीन तीन उठा के लगाने में बहुत टाइम लग जाता, और वैसे भी वो सारी उठानी पड़ती है। अभी तो सिर्फ 1 क्लिक और 8 8 आ जाती है सीधी। तो ये तो हो चुका है, मेटल बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें वैसे भी। तो गाइस, फिलहाल मैंने यहाँ पे सारी वुड लगा दी है, तो मेटल लगाना बाकी है, और मैं ये वाली वुड बाहर निकाल देता हूँ। हाँ, इसको कंप्लीट कर देते हैं, अभी अंदर वुड लाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ओके, इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, और रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो इसमें कंप्लीट कर देता हूँ इसको भी मैं फटाफट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, और इसको कलर में रेड कलर ही नहीं है यहाँ पर, तो बाहर देखता हूँ अगर होगा तो। ओके, इधर है रेड कलर, तो इसको कलर कर देते हैं रेड ही। और गेट को मैं कौन सा कलर करूँ वो ज़रूर बताना कमेंट में, और फ़िलहाल तो मैं इसको वाइट ही करूँगा,
क्योंकि एक गेट वाइट है अपना, तो इसको अंदर से तो वाइट नहीं करूँगा, बाहर से करूँगा, अंदर से ऐसे ही रहने देते हैं। ओके सब ये तो हो गया। अभी यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ गेट लगाऊँ या नहीं, ओपन ही रहने दो। गेट लगाने के लिए मुझे ऊपर की सीलिंग तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तो ऐसे गेट नहीं लगेगा ये, और ये चीज़ मेरे को पहले ध्यान में रखनी चाहिए थी। फिलहाल इसको तोड़ूंगा तो और कुछ गिरेगा क्या? ओके सही है एकदम। तो इसको यहाँ पे भाई अभी भी नहीं लग रहा है ये, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ओके अभी लग गया। अभी ये फ्लोर पे इधर लगा देते हैं और ये इधर लगा के इसको कंप्लीट कर देते हैं, और इसको भी वाइट कलर भी कर देते हैं तो भी कंप्लीट हो जा। और यहाँ पर डोर भी लगा देता हूँ मैं। तो फिलहाल तो इसको भी वाइट कलर कर देते हैं। इसको नीचे रखना था, इसको वाइट कलर क्यों कर दिया मैंने, और ये वाइट हो गया। और इसको भी रेड ही करेंगे, मैं कलर उठा के लेके आता हूँ, और इसको भी फटाफट रेड कर देते हैं, अपना अंदर से रेड ही रहेगा। ओके तो ये भी हो गया, फिलहाल ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये गेट मैंने वाइट कर दिया, मैं सोच रहा हूँ इसको ब्लू या पिंक कुछ और कर दूँ। और ये रैम भी मेरे को कलर चेंज करना है इनका भी, मैं सोच रहा हूँ इनको बिना कलर के रहने देते हैं, तो इनको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाले रैम से, और ये अभी क्यों नहीं लग रहे भाई साहब, इसे तो गली। ये रैंप क्यों नहीं लग रहे यहाँ पर? ओके ये रूफ है तो नहीं लगेगा, रैंप वो नहीं था, ये था रैंप, मैं खुद ही गलत लगा रहा था भाई साहब। मैं यहाँ पे उठा के इसको ऐसे लगा देता हूँ और ऐसे, और इनको एक बार ऐसे रहने देते हैं, बाद में इनको ब्राउन कलर ही करेंगे। फिलहाल ये ऐसे ठीक तो नहीं लग रहे, इनको कलर तो कराएंगे। और अपने ऊपर ये है, कुछ भी नहीं है मतलब, और नीचे का फ्लोर वाइट है, तो इसका ये फ्लोर भी वाइट रहेगा, और ऊपर भी फ्लोर बनाएंगे हम, अभी नहीं बाद में। फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली सीढ़ी रहने देते हैं, और सीढ़ी को कलर कर देते हैं, ब्लू कलर ठीक रहेगा सीढ़ी पे। तो गाइस मैं ब्लू कलर लेके आ चुका हूँ, तो इस पे हमें ब्लू करना चाहिए या पर्पल करें? मैं सोच रहा हूँ ब्लू ही कर देते हैं, ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके ब्लू ही करेंगे, और ये गेट भी अंदर से ब्लू कर देते हैं, ब्लू गेट भाई काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसको बाहर से भी ब्लू करूँ क्या? वाइट के साथ मैच होगा या नहीं? ओके रेड के साथ ब्लू ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, मेरे को इतना अच्छा नहीं आता कलर कॉम्बिनेशन, फिलहाल तो ठीक लग रहा है। ओके तो ये अपना हो चुका है। अभी मेरे को भाई बहुत टाइम हो गया, फटाफट चल के पहले सो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे करेंगे। और ये देखो मैं जितना भी वाइल्ड मिर्च था इधर इधर का तो उठा के ले आया हूँ, और जो स्टोर की तरफ था और रेस्टोरेंट की तरफ वो मैंने वहीं पे बेच दिया, ये इधर वाला उठा लिया था मैंने। तो गई हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिलहाल ना ये तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट स्टोर, तो स्टोरेज रूम का कुछ बाकी है, तो वो है ये वाले मेज है, जो ये टेबल। ओके टेबल काफ़ी गुड लेंगे भाई साहब, 9 लेता है एक, तो इसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। तो 3 तो हो जाएंगे कंप्लीट, यहाँ पे 1 2 3। ओके वो और भी बच गई, ठीक है मैं बाहर से लेके आता हूँ, मेरे को पैदल जाके लेके आनी पड़ेगी यहीं से, तो फटाफट मैं लगा देता हूँ उनमें। तो भाई जी मैंने वुड यहाँ पे अंदर ला के रख दी है, और मैं फटाफट ये भी कंप्लीट कर देता हूँ, तो 2 बाकी है, फटाफट ये भी कंप्लीट कर देते हैं। तो इनमें लगानी है एक एक वुड, और ये हो गए कंप्लीट। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इनमें भी ब्लू कलर कर देते हैं, काफ़ी सही लगेगा। और भाई थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा नहीं हो रहा है? वैसे ये ब्लू ऐसा लग रहा है जैसे भाई ये केवल ब्लू प्रिंट बना के रखा हो। तो ठीक है फिलहाल तो इनको रखते हैं ऐसे, इधर रहेगा ना इसका। ओके इधर है,
इसको इस तरह रख देंगे और इसको इस तरह रख देंगे, नहीं इधर रखेंगे इनको, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल इसका हम इस तरफ कर देते हैं और ये हो गया। यहाँ पे एक पैन आएगा और उसके बाद ये इस तरफ जो बनेंगे सॉसेज वो सब इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं गिर जाए। इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, तो इतना ठीक है, इसको सेंटर में लगा देते हैं फिर। तो ये सही लग गया अपना, और फिलहाल ये तो हो गया है ब्लिक। और आज हम चैलेंज करने वाले हैं 100 पीस का, तो अपने को 100 पीस करने हैं पहले। तो मैं इसको नीचे उतार देता हूँ, नीचे क्या नहीं, इनको बेच के आएंगे, अपने पास पैसे कम है। तो फिलहाल अपने पास 4 पिग नहीं और 2 पिग लेके आया था, जो कि भाई सीरियसली बढ़ बढ़ के अभी 360-370 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे छोटे छोटे तो बहुत ही ज़्यादा है, और मैं सोच रहा हूँ 100 पीस का चैलेंज कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने हैं, और इनसे ज़्यादा तो ये छोटे छोटे हैं भाई, ये हर जगह ही मिल जाएंगे आपको। देखो इधर भी कितने सारे हैं, और ये भी देखो कितने सारे इधर। तो भाई ये छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही है। तो ये अपने कुछ पिग्स यहाँ पे मर गए थे, एक ये और एक वो वहाँ पे बाहर मरा था, 2 पिग मरे थे। तो इनके पास खाना पानी सब था, पर क्यों मरे वो तो सेम वालों को ही पता है क्या अगली की इनके साथ। बट फिलहाल ये बाहर नहीं निकलने दे रहे, रुक इसको बंद करा, तू भी बंद हो जा, चलो भागो यहाँ से। ओके तो अभी बाहर निकल लेते हैं। देखो 2 मर गए थे अपने, बाकी यहाँ पे इतने हैं। तो मेरे को ये सब कंप्लीट भी करना पड़ेगा, तो ये सब मैं कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो से पहले करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें वाई पिग 100 पिग होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कैसे अटक रहे हैं, तो दोनों बार में डाल देंगे। और फिलहाल इनको उठा लेते हैं यहाँ से, जो 2 पिग अपने मार गए थे उनको उठा लेते हैं, और उनका कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। फिलहाल इसमें मेरे पास कुछ एम्प्टी, इसमें तो 6 मीट है। ओके एक ये खाली है, ओके बाकी ये तीनों हैं इसमें है, तो इसको ऐसे रख देता हूँ उस तरफ। तो फटाफट इसको डाल लेते हैं, इसके अंदर पैक कर देते हैं। तो ये स्किन निकाली हमने और इसको फटाफट इसके अंदर पैक कर देते हैं। तो ये एक तो हो गया फुल, तो ये दूसरा फुल हो पाएगा क्या? ओके ये भाई पिग भाई पूरा बड़ा था, इसलिए 26 मिले इससे, 26 मेरे कंप्लीट। तो मैं उसके भी पीसीस कर देता हूँ, उसको भी डाल लेते हैं। और मेरे को और भी कूलर वहाँ से उठा के लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि तो ये वाला पिग भी एक में नहीं आएगा, छोटा है बट इतना भी छोटा नहीं है। तो फिलहाल मेरे को 2 और लेके आने पड़ेंगे, जो कि मैं लेके आता हूँ फटाफट। तो भाई मैं कूलर लेके आ चुका हूँ, यहीं से लेके आने थे, लेकिन मैं गाड़ी को ऊपर से लेके चलूँगा, क्योंकि तो वो पिग जो पिछली साइड है तो यहाँ से ईजी रहेगा उसको उठाना। और यहाँ के ये पेड़ मेरे को काटने ही पड़ेंगे, पीछे जाना तो भाई यहाँ से रास्ता ही नहीं है जाने का। फटाफट यहाँ से चल के उनको उठा लेते हैं, एक ही है। और भाई ये देखो इसके अलग ही नशे हैं, तो ये एक में आ पाएगा क्या? और कैसे कहा जाएगा एक में, नहीं एक पीसीस बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने पास पैसे कम है, तो इनमें से 1-2 पिक को और मार देते हैं। तो मैं और भी खाली कूलर लेके आया हूँ, तो 1 पिक को और मारेंगे, जिससे कि अपने कुछ पैसे हो जाएंगे और हम उनसे लेके आएंगे सिगनी। और अपने इनके खाने के भी पैसे इधर लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैं एक और मारने वाला हूँ। और अपनी सीक्रेट ट्रिक से गन को फटाफट रिलोड, और अभी इसकी बारी पिगी है ना, पिगनी नहीं मारनी अपने को, बस एक ही काफ़ी है। और ये भाई सब सारे के सारे यहाँ से भाग गए, पहले तो इसको इसके अंदर डाल लेता हूँ मैं। तो फटाफट इसको डाल के और बेच के आते हैं, उसके बाद पिगनी लेके आएंगे 4। तो गाइज मैं आ ही रहा था और मेरे को ये एक मिल गया, तो इसको भी मैंने लगे हाथों मार दिया अभी।
और फिलहाल इसको भी उठा लेते हैं। और कौन से कूलर खाली? एक कूलर में कम थे तो मैं देखता हूँ किस में कम थे। ओके, सब में पूरे भरे हुए हैं क्योंकि नीचे वाला कम है, तो इसको इधर रख देते हैं। तो इसको उठा के इसमें डाल लेते हैं। तो फिलहाल मैं सारा पोर्क लेके आ चुका हूँ, तो फटाफट चलते हैं रेस्टोरेंट पे और देखते हैं हमें ऑफ़र में क्या मिल रहा है। ऑफ़र देख लेते हैं क्या मिल रहा है। अगर ऑफ़र में मिल जाएगा भाई पोर्क तो मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने गाड़ी यहाँ पे ठोकी दी है, तो हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट पे। फिलहाल चलते हैं अंदर। और भाई 1.6 x पोर्क पे, हाँ लेकिन वाइल्ड मीट पे नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार के लिए चलते हैं। और भाई 4,000 के करीब मिल रहा है हमें, तो मैं काफ़ी सारा लेके आया हूँ। मैं अपने 2 पिक तो मर गए थे, एक मैंने मारा, तो 3 पिक का है और बहुत सारा है वाइल्ड मीट भी। तो ठीक है, इसको बेच देते हैं। अपने पास हो गए 5,200, भाई काफ़ी हो गए अभी तो। फिलहाल अपने को ये गाड़ी वापस लेके जानी पड़ेगी और लेके आते हैं ट्रक। 4 पिक नहीं लेके आएंगे, पिक तो पहले से बहुत हैं। तो गाइस मैं अपना ट्रक लेके पहुंचने वाला हूँ जनरल स्टोर पे, और यहाँ से फटाफट 4 पिक खरीदते हैं। तो खाना पीना तो कुछ लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऑटो फीडर है। तो फिलहाल अपने को, हाँ अपने को मुर्गियाँ भी लेके जानी थी, उनके कुप भी बनाने हैं तो वो भी बनाएंगे। फिलहाल मैं 4 फीमेल ले लेता हूँ, फीमेल पिग, और ये सब तो बाद में लेंगे। कुछ नया नहीं आया, अपडेट तो बहुत सारे आ गए। ओके, मैंने इसको बाई नहीं किया अभी तक, तो ये हो गया बाई। फटाफट चलते हैं और इनको डालते हैं अंदर ट्रक के। तो इधर आ जा, सीधा अंदर चल 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 चल, और तो भी आ जा अभी, चल अंदर। भी तेरी बारी, 3 आ गई, 1 बाकी है। इधर घूम रही है, आ जा इधर। तो ये फीमेल पिग, इसको भी ले आया हूँ मैं। तो चारों को डाल दिया इसके अंदर। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मेटल भी ले लें, कि अपने घर में काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर मेटल बहुत सारा लगने वाला है। तो फिलहाल पैसे अपने पास है तो मेटल ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा हार्डवेयर स्टोर। तो भाई हम हार्डवेयर स्टोर पे पहुँच चुके हैं अभी। यहाँ पे गैस को रोकते हैं गाड़ी को, और ये देखो यहाँ पे मुझे 2 भालू मिले थे, जिनको मैं इधर लेके आया इन बियर्स को, और यहाँ पे मैंने इनको मार दिया। और इनकी स्किन नहीं निकाली मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम जो अपने डियर को इधर मारा था तो उसको, अब उसके ऊपर अपने को $15 का प्रॉफिट था। तो अभी इनका ऊपर देखते हैं कितने का रहेगा। तो नॉर्मल इसमें 4 पीस ही मिलते हैं जो 60 के होते हैं, और भाई साहब यहाँ पे 100 का जा रहा है बिना स्किन निकाले। भाई यहाँ पे 80 डॉलर का अपने को फ़ायदा, तो 200 ये भी मिल गए, तो 4,200 हो गए। फिलहाल मेरे को मेटल लेना है, तो मैं सोच रहा हूँ 4 ले लूँ 2,000 का, नहीं 6 ले लेते हैं क्योंकि मेटल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। 300 मेटल अपने ले लिया है, और भाई ये मेटल को रखते हैं फटाफट इधर इसके अंदर ट्रक के, और मैं निकल लेता हूँ रेंज में। तो गाइस फाइनली मैं अपने रेंज पहुँच चुका हूँ, और फिलहाल पहले मैं यहाँ पे मेटल उतार देता हूँ। तो फटाफट उतार देता हूँ मैं मेटल को यहाँ पे, और उसके बाद लेके चलते हैं इनको रेंच बार्न हाउस। और फिलहाल इनका बार्न हाउस इस तरफ है, तो फटाफट अपने ट्रक में फ्यूल भी कम है, तो इनको मैं सोच रहा हूँ पैदल लेके जाऊँ या ट्रक को अंदर ही कर दूँ सीधा। तो इनको पैदल ही लेके चलते हैं, ट्रक को अंदर नहीं करेंगे। तो एक एक करके इनको मैं उतारता हूँ, और ये इधर ही आ रही है, आ जा अंदर, आ जा सीधा, और ये अंदर आ गई। ओके, फिलहाल मैं चारों को फटाफट अंदर कर देता हूँ। तो भाई फिलहाल चारों पिगनीज को मैं अंदर लेके आ चुका हूँ, और इनको अंदर छोड़ दिया इधर, और ये अपने यहाँ खा पी के बड़े हो जाएंगे और उसके बाद ब्रीडिंग। और ये भाई पिग अपने 100 से तो बहुत ज़्यादा ही हो जाने वाले हैं, कि जब 100 पिक बड़े हो जाएंगे तो तब तक छोटे पिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं दूसरे वाला बान भी कंप्लीट कर दूंगा, और उनमें भी ट्रांसफ़र कर देंगे इनको। और मैं अभी फ़िलहाल ट्रक लेके और वापस चलता हूँ, वहाँ जो रह गया था मेटल जितना लगेगा हम लगा देते हैं,
और भाई ये देखो, ये इनका यही लगा रहता है सारा दिन, खाने पीने के अलावा और कोई काम तो है नहीं, इधर उधर लगे रहेंगे। सुबह चला तो ये हट गया, और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है अभी, भागने की है क्या तैयारी? तो फटाफट रैंक में चलते हैं अंदर, और चल के अपना कंप्लीट करते हैं जितना भी कंप्लीट होगा मेटल लगा के। और मेरे को पहले तो गेट कंप्लीट करने हैं बर्न हाउस के, तो फिलहाल मैं उस बर्न हाउस को पहले कंप्लीट करूँगा, क्योंकि तो अपने को काउज भी लेके आनी है। फटाफट लगाते हैं मेटल, और दो डोर हो गए कंप्लीट, फिर लास्ट वाला बाकी है। और यहाँ पे कुछ वुड पड़ी है, फिर इसको बाहर से लगाऊंगा मैं। तो फटाफट ये अपना बांध हो चुका है कंप्लीट, तो अभी बस इसके अंदर फीडर लगाने हैं और लेके आनी है काउस। तो अपना फिर चीज़ बनाना भी चालू कर देंगे हम। और अभी फ़िलहाल तो इसको ओपन करते हैं, और पहले तो इन तीनों को कंप्लीट करता हूँ मैं। ये तीन कंप्लीट हो चुकी है और इसमें 7 बचा है, तो इधर ही रख देते हैं। और रात भी होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ लाइट भी कंप्लीट कर दूँ पहले ना, तो बाद में भी करेंगे, क्योंकि लाइट बहुत मस्त लगती है रात में। इनको ऑन भी कर देते साथ के साथ। तो 40 से 10 हो जाएगा, तो इससे कंप्लीट तो नहीं हो गए सारे, क्योंकि भाई ये मेटल उतना ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 50 था। तो बहुत कंप्लीट हो गए वैसे तो। ओके, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, मैं लेकर आता हूँ दूसरे वाला, और सारी लाइट कंप्लीट करके ऑन कर देते हैं, और फिर रात को देखेंगे कि कैसा लगता है। ये थोड़ी सी लाइट है, इससे भी बहुत मस्त लगता है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके सारी हर एक साइड में लाइट लगेगी। तो फिलहाल ये लास्ट लाइट और सबकी सब ऑन है, तो रात को भाई यहाँ पे अंधेरा नहीं होने वाला अभी। और मैं अंदर वाली भी कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि रात को अंदर अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे कुछ लगाई थी मैंने, तो ये वाली 4 कंप्लीट कर दी, और नहीं लगी, बस इतनी लगी है, बाकी बाद में लगाएंगे। और फिलहाल मेरे पास 27 मेटल है यहाँ पर, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ कुछ को और। ये वुड है, तो फटाफट बचा हुआ मेटल भी ला के मैं लगाता हूँ। और रात ऑलमोस्ट होने वाली है, और अपने पास बचा है 150, तो 150 से काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो इससे 3 कंप्लीट होंगे। नो भाई, 3 का फ़र्क रह गया भाई, एक लाइट कम लगी होती तो वो कंप्लीट हो जाता। फिर कोई बात नहीं, इसको बाद में करेंगे। और ये अंदर से कलर करना बाकी रह गया, फिर तो इसको कलर कर देता हूँ मैं। तो इसको फटाफट मैं कलर कर देता हूँ, इस तरह से करना पड़ेगा अभी। तो इधर भी रह गया 2, 1 एंड भाई ऊपर छत भी रेड कर दी मैंने तो। ओके, फिलहाल इसमें 2 ही है, तो मेरे को एक तो इधर लगाना है, एंड यहाँ पे ब्लू लगाना है। ब्लू किधर है? ओके, इधर है ब्लू। तो फटाफट इसको भी, ये भी हो गया कंप्लीट, तो अपना अभी काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस फाइनली अपना ये वाला सिर्फ एक रह गया है, तो ये अपना रहेगा इतना हरा भाई, बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। तो सोसेज एक टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सोसेज रख सकते हैं, और इधर अपनी चीज़ भाई बहुत सारी आ जाएगी एक ही टाइम में। तो ये तो अपना काफ़ी सही बन गया, अभी बस प्रोडक्शन चालू करना बाकी है, तो वो भी चालू करेंगे। इनको एक बार मैं साइड में रख देता हूँ। ओके गाइस, तो अपना ये हो चुका है कंप्लीट, और अभी चलते हैं अपनी छत के ऊपर। और भाई अपना सन किधर है? इधर ही है, लेकिन ओके पहाड़ आ गया सामने से, लेकिन यहाँ पर उसकी शेडो तो नहीं आई, और अपना वो चल रहा था भाई। तो सामने अपना ये ऊपर से कंप्लीट इसको कलर करना बाकी है, और मैंने इसके ऊपर से कलर करना चालू किया था, लेकिन मेरे पास कलर ख़त्म हो गया, तो मैंने ये वो जो वॉल थी साइड वाली, ये ऊपर से पूरी कलर नहीं हुई है, हाफ तो हो गई लेकिन हाफ बाकी है, तो इसको भी कलर करेंगे। और फिलहाल अपने 100 पिक का चैलेंज जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, या तो उससे नेक्स्ट में कर देंगे। नेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ अपने लाते हैं काउस, और अपना मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो सब कुछ कर लेंगे हम, बहुत कुछ कर लेंगे फिर तो।
अपने भाई चिकन्स भी नहीं है अपने पास। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।